आज हम बनाते हैं बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे जो है अरबी के पत्तों के पतौड़ बनाएंगे, जिसको हम पतौड़ बोलते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये, एक बार मेरे तरीके से बनाएं। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है ये, आप बनाएं ज़रूर। शुरू से लेके एंड तक मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो आपके ये जो है अरबी के पत्तों के ये पतौड़ बनेंगे ना, बहुत ही अच्छे बनेंगे, टेस्टी बनते हैं, इजी वे में है, और ये बनाएं ज़रूर। तो ये गर्मियों में आम मिल जाते पत्ते, आजकल तो सारा सीज़न ही सब्जियां मिलती हैं, तो आप इसको सर्दियों में भी बना सकते हो, तो ये ट्राई ज़रूर करें। तो चलो आज बनाना शुरू करते हैं हम अरबी के पत्तों के पतौड़। ये पंजाबी तड़का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाते हैं अरबी के पत्तों के पतौड़ पकौड़े जिसको कहते हैं। तो ये देखिए मैंने 8-10 पत्ते ले लिए, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, इसको सूती कपड़े से इसको सुखा लेंगे, ड्राई कर लेंगे। तब ये जो मैंने पिछले वाले जो हार्ड पार्ट है ना, उसको कट कर दिया सर। ये आप कैंची से या नाइफ से भी कट कर सकते हैं, इसको बेलने से उल्टी साइड से इसको सीधे कर लेंगे, जो जो हार्ड पार्ट होता है उसको सॉफ्ट बना लेंगे। तो ये सारे मैंने पत्ते ऐसे कर लिए सारे। तब इसके ऊपर हम बेसन तैयार करते हैं लगाने के लिए। तो ये कप मैंने बेसन लिए, इसमें नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्ची और अजवाइन और धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर, ये सारे जो मैंने आपको सारे मेजरमेंट इसका जो इंग्रेडिएंट सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूँगी। तो आप ये हल्दी थोड़ी सी मैंने डाली और हींग डाली है इसमें। इसमें पानी डाल के हम इसका घोल तैयार कर लेते हैं अच्छे से। तो ज़्यादा हमने थिक भी नहीं रखना, ज़्यादा लिक्विड भी नहीं रखना, नॉर्मल रखना है हमने। तो अब इसमें हम लेमन जूस डालेंगे, 1 मैंने टीस्पून लेमन जूस डाला। आपने खट्टा इसमें ज़रूर डालना है, चाहे आप इमली का पल्प डालें चाहे लेमन जूस डालें, क्योंकि ये गले में नहीं लगती है, ये अरबी के पत्ते जो होते हैं ना गले में लगते हैं, खराश होती है। तो खट्टा और मीठा थोड़ा सा ज़रूर डालें। मैंने 1/2 टीस्पून थोड़ी सी चीनी भी डाली थी। तब इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका घोल तैयार कर लिया है। अब मेरा 1/2 कप पानी लगा है। अब इसमें हम सारा पत्तों के ऊपर बेसन लपेट लेते हैं। तो एक एक करके हम सारा इसमें लगा लेंगे। हमने 4 पत्ते जो है इसमें लगाएंगे। अब देखो अपने हिसाब से आप अपने बना सकते हो रोल। एक एक करके मैं सारा लगाऊंगी अच्छे से, आप चाहो तो हाथ से भी लगा सकते हो, आप चाहो तो स्पून के साथ भी लगा सकते हो। मैं अभी एक बार बना के ज़रूर देखे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। बरसात के दिनों में बनाओ पकौड़े, इसके पकौड़े बनाओ या पतौड़ बनाओ, तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है इसका। गर्मियों में तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अब ये इसको हम रोल कर लेंगे। तो हमने 4 पत्ते लगा दिए। तो ये सारा बेसन मैंने इसमें लपेट दिया सारे अच्छे से। अब इसकी परत जो है पतली पतली लगानी, मोटी ज़्यादा थिक नहीं लगानी है बेसन की परत जो है। तो ये देखिए उल्टा सीधे पत्ते करके मैंने इसके लगा लिए। आप चाहे जैसे मर्जी पत्ता को लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने उल्टा लगाना। ये देखिए मैंने फोल्ड कर दिया, चारों तरफ इसको फोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर भी बेसन लगा लेंगे अच्छे से, ताकि बेसन लगा हो तो इसका टेस्ट और ही अच्छा लगता है। तो बेसन में आप चावल का आटा भी डाल सकते हो, उससे भी और क्रिस्पी बनते हैं। तो मैंने इसका बेसन कलर डाला, आप चावल का आटा डाल के भी बना सकते हो। ये देखिए मैंने रोल नहीं किया इसका, मैंने ऐसे ही थोड़ा फ्लैट किया है। अब दूसरा भी हम रोल जो है तैयार कर लेंगे ऐसे ही लगा के। तो ये भी हमने 4 पत्ते इसमें लगाने हैं। तो अब ये सारे बेसन इसमें लिपट जाएगा अच्छे से। ये देखिए मैं पतला पतला करके लगा रही हूँ, ज़्यादा मोटा नहीं लगा रही, ताकि सारा जो है पत्ते के ऊपर सारा लग जाए अच्छे से। तो मटेरियल हमने अच्छे से सारा लगाना है इसका, ये भी इसको भी फोल्ड कर देंगे ऐसे ही सारा हम लगा के। तब पानी जो हमने गर्म करने के लिए रख दिया कढ़ाई में, पानी अच्छे से बॉयल होना चाहिए। तो इसके ऊपर छन्नी को ही लगा दें, इसमें थोड़ा ऑयल लगा के मैंने रख दिया ताकि चिपके नहीं। तो इसको हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ढक के। तो एक बार हम इसमें चेक कर लेते हैं नाइफ लगा के, ताकि देखेंगे हो गया थोड़ा सा अभी है चिपकता है ये नाइफ। 5 मिनट के लिए और रख देते, मैंने 10 मिनट देखा था। ये देखिए अब ये सारा बन गया, अब नहीं चिपक रहा, ये बन गया रेडी हो गया। इसको ठंडा करने के लिए हम रख देते हैं प्लेट में। अब ये ऐसे गरम गरम नहीं हमने इसको कट करना, इसको थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हमने कट करके इसके स्लाइसेस कर लेने हैं, कट कर लेने हैं। ये देखिए अब ठंडा हो गया, 10 मिनट मैंने रख दिया था, ठंडा हो गए हैं सारे। अब 1-1 इंच के हिसाब से अब इसके कट कर ले, आप चाहो तो राउंड, आप इसको राउंड में भी कर सकते हो, जैसे रोल में बना के फोल्ड कर दिया। तो मैंने इसको फ्लैट में किया है, तो इसीलिए इसके जो है फ्लैट में ही पीसेज होंगे। तो आप जैसे चाहो आप अपने हिसाब से कर सकते हो।
देखिए इसके सारे पीसेस कट हो गए हैं, अब दूसरा भी हम कट कर लेते हैं। इसकी जो अंदर से लेयर्स है ना बहुत अच्छी आती है, और ये इसके अंदर सारा जो बेसन का टेस्ट है ना वो सारा अंदर इसके अच्छे से आ जाता है। तो आप ऐसे स्टीम करके भी खा सकते हो, अगर आप थोड़ा सा फ्राई करना चाहते हो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। मैं शैलो फ्राई करूँगी इसको, तवे में करूँगी गर्म थोड़ा सा, एक दो टीस्पून मैं ऑयल डालूँगी तो इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा शैलो फ्राई। तो ये ऐसे भी आप खा सकते हो जिन्होंने नहीं फ्राई करके खाने। तो ये देखिए मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया, इसमें 2 चम्मच मैंने घी डाल दिए। तब इसको हम एक एक करके सारे डाल देते हैं, और फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखनी है, ताकि हाई नहीं रखनी, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। फ्लेम नहीं हमने तेज़ करनी। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं ताकि अच्छे से कुरकुरे से बन जाए। ये हमने चेंज करते रहना थोड़े से, ताकि अच्छे से सिक जाए सब साइडों से, कुरकुरे से बन जाए। और ये साइड चेंज करते रहना, नहीं तो एक साइड से ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। उल्टे पलटे करते रहना इसके। ये देखिए कितने अच्छे कलर आया है इसका। स्लो फ्लेम में ही रखना इसको, लो टू मीडियम, हाई पे करोगे तो जल जाएंगे, तो अच्छे नहीं बनेंगे, टेस्टी नहीं बनेंगे, ना ही कुरकुरे बनेंगे, क्योंकि फिर अंदर से बेसन जो है कच्चा रह जाता है। तो फ्लेम जो हमने नॉर्मल ही रखनी है, हाई नहीं करनी। तो ये जब आप एक बार बनाएंगे ना तो इतने टेस्टी लगेंगे ना सबको, तो सभी आपकी तारीफ़ करेंगे कि ये बहुत ही टेस्टी बने हैं, फिर से बनाए हैं। सभी आपकी रेसिपी पूछेंगे कैसे बनाए, तो आप मेरे तरीके से बनाएं, बहुत ही अच्छे बनेंगे आपके। इजी वे में रेसिपी है, मेरी रेसिपी को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर करा करें, और मुझे बताया करें कि आप मेरी रेसिपी को कहाँ कहाँ से देख रहे हो, कौन सी सिटी से देख रहे हो, तो ये भी बताते रहा करें। तो जब अब ये हमारा एक बैच बन गया, अब दूसरा बैच हम डालेंगे इसमें, उसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हो, चाहे सरसों का तेल डालें, चाहे आप रिफाइंड ऑयल डालें, या देसी घी भी डाल सकते हो, लेकिन बनाए ज़रूर, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये बहुत ही सीजनल रेसिपी है ये, तो ये गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम में आप जब बनाओगे ना पकौड़े, तो बहुत ही चाय के साथ टेस्टी लगेंगे आपको, कुरकुरे और क्रिस्पी बनते हैं ये। इसका खाने का जो है ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। ये देखिए ये भी हमारे बन के रेडी हो गए, अब इसको हम सर्व करते हैं चटनी के साथ। आप टमाटो सॉस के साथ खाएं, पुदीने की चटनी के साथ खाएं, चाहे आप कोई किसी डिप के साथ खाएं, तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। मैंने इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया, इससे टेस्ट और ही बढ़ जाता है। आप भी ज़रूर डालें, नाएं और खाएं, और मेरे साथ अपने अनुभव शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, मैं स्नेह पंजाबी तड़का। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम में पेज है उसको भी फॉलो करें। बाय बाय।